क्या मूसे वाला की हत्या के पीछे है आईएसआई का हाथ? लॉरेंस बिश्नोई और आईएसआई का क्या है कनेक्शन? कौन है आईएसआई और लॉरेंस के बीच का सूत्रधार? क्या इस्लामाबाद में बैठकर रची गई मूसे वाला की हत्या की साजिश? पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन मूसेवाला की हत्या को लेकर अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। कहा यह जा रहा है मूसेवाला की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रची गई थी। इस खुलासे ने खुफिया विभाग से लेकर पंजाब पुलिस के बीच हड़कंप मचा दिया है। अब तक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्टी बरार का नाम मूसेवाला की हत्या के पीछे बताया जा रहा था, लेकिन अब मूसेवाला की हत्या के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। दरअसल मूसेवाला की हत्या में एक और नाम सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला है, और वो नाम है बब्बर खालसा का आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठा है और वहीं से पंजाब में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहा है। इसी कड़ी में उसने मूसेवाला की हत्या का षड्यंत्र रचा था। हरविंदर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और इस वक्त उसके पाकिस्तान में होने की बात कही जा रही है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए आखिर कौन है आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा, जिसका नाम मूसेवाला की हत्या में सामने आया है। हरविंदर सिंह रिंदा का नाम पहली बार लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में आया। हरविंदर सिंह बब्बर खालसा का इंडिया हेड है। रिंदा का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन है। साल 2023 में रिंदा भारत से फरार हो गया था। भारत से भागने के बाद आईएसआई ने पाकिस्तान में शरण दी। रिंदा पाकिस्तान में बैठकर देश विरोधी साजिश रचता रहता है। दरअसल कहा जा रहा है रिंदा ने आईएसआई के इशारे पर ही मूसेवाला की हत्या की साजिश रची और इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दी है। कहा तो यह भी जाता है कि रिंदा ने भारत में अस्थिरता फैलाने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई को दी है और मूसेवाला की हत्या की साजिश लॉरेंस ने रिंदा के कहने पर ही जेल में बैठकर रची थी। एक तरफ खुफिया एजेंसी और दूसरी ओर दिल्ली और पंजाब पुलिस मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को मान रही है। इसी बीच आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का नाम सामने आने के बाद अब खुफिया एजेंसियों के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि अगर सच में हरविंदर सिंह रिंदा के इशारे पर लॉरेंस ने मूसेवाला की हत्या करवाई है तो सुरक्षा के लिहाज से ये काफी परेशान करने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई देश के सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ में बंद था, ऊपर से रिंदा भी देश से बाहर था। फिर दोनों के बीच कॉन्टैक्ट कैसे हुआ और कैसे दोनों ने मिलकर मूसेवाला की हत्या की साजिश की? बहरहाल इस खुलासे ने खुफिया एजेंसी और पुलिस की नींद उड़ा दी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि आने वाले वक्त में और भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में बैठकर रिंदा ने ये प्लानिंग की है तो इंडिया में जरूर उसके साथी हैं जो इसमें उसकी मदद कर रहा है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।